आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी जारी हो चुका है। अब आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब और किस डेट और कहां पर आपका एग्ज़ाम गया हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। दोस्तों, ये कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पर हमें आए हुए हैं। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड तथा कैप्चा वर्क के आप अपना एडमिट कार्ड को देख सकते हैं। चलिए हम अपना भर के दिखाते हैं आपको। जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ही आपका एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन शो होगा। यहाँ आप लोग का एग्ज़ाम डेट दिया रहेगा जो कि हमारा 25 सितंबर को है। एग्ज़ाम सिटी दिया रहेगा तथा चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग को एग्ज़ाम के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ले जाना कंपलसरी है। दोस्तों, यहाँ दिया है परीक्षा के समय नीचे दिए गए अनिवार्य दस्तावेज लाने होंगे। आवेदक पत्र में उल्लिखित वैध मूल फोटो पहचान प्रमाण पत्र। दोस्तों, आप लोग को जो आप लोग आईडी जमा किए हैं फॉर्म में, वो आप लोग को आईडी यानी आधार कार्ड अगर जमा किए हैं तो आपको आधार कार्ड ले जाना है। ई प्रवेश पत्र का एवं रंगीन बैक टू बैक प्रिंट आउट। आप लोग का एडमिट कार्ड भी रंगीन होना चाहिए तथा पासपोर्ट आकार की रंगीन फ़ोटो, जैसा कि आवेदन पत्र में दिया गया है। केवल एक रंगीन फ़ोटो ले जाने वाले उम्मीदवार की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आप लोग को दो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो होनी चाहिए जो आप लोगों ने अप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, तथा आप लोग को दो ही लेकर जाना है। एक ले जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तथा साथ ही इस बार आप लोग को 10वीं का मार्कशीट भी ओरिजिनल ही लेकर जाना है तथा एडमिट कार्ड के ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट आप लोगों को कभी भी नहीं लेकर जाना है, वरना आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी के छात्र हैं तो आप लोगों को सबसे पहले अपना मूल जाति प्रमाण पत्र ले जाना है तथा स्व सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की दो प्रतिलिपि। आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड आप लोग फोटो कापी करा के नीचे उसके सिग्नेचर मार देंगे तो वही आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होता है। अगर आप मूल ट्रेन या बस से जाते हैं तो आपको उसका एक फ़ोटो कापी तथा उसका आप लोग को जो आप लोग के रिफंड के लिए काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें।